हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर बची हुई रोटी से टेस्टी नाश्ता। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इस रेसिपी के लिए चाहिए आपको घर में बची हुई रोटी, जो हमेशा हमारे घर बच जाया करती हैं। तो इसी का हमने आज नाश्ता बनाना है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए सॉस, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स का मैं यूज़ करूँगी, जिनमें हमने लिए हैं आलू। इनको हम बॉईल करके रख लेंगे, इनका छिलका उतार लेंगे। ये हमने लिया है रेड चिली पाउडर, और ये टमाटर चॉप किए हुए लिए हैं, ये अनियन लिए हैं चॉप किए हुए, ये धनिया पाउडर है, ये मैंने नमक लिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। ये मैंने सारी चीज़ें इनमें डाल ली हैं, ये लाल मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज, ये मैंने इनको अच्छे से अब इनको मिक्स करना है, इसीलिए तो चलिए इनको मिक्स करते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, जिससे ये एकदम मिक्स होने के बाद हम रोटी में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से उस पर स्टफिंग जो है चिपक जाएगी, और फिर अच्छे से बहुत अच्छे से सिकेगा ये। तो ये सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए अब हम इसमें स्टफिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें सॉस। तो मैंने यहाँ पे टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस का यूज़ किया है। तो चलिए सॉस लगाते हैं। तो ये मैंने सॉस लगा दी है इसमें 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 आपने सिर्फ हाफ पे मैंने रेड चिली सॉस लगाई है, और हाफ पे मैंने ग्रीन चिली सॉस भी लगाई है। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इसमें ये टमाटो केचप का यूज़ करते हैं। ये मैंने रेड चिली सॉस लगा ली, और अब ग्रीन चिली सॉस भी लगा ली। अब हमने इसमें अपनी स्टफिंग जो हमने तैयार की थी वो डालनी है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी स्टफिंग डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। तो मैंने ये स्टफिंग डाल दिया है, लेकिन ये स्टफिंग आपको सिर्फ हाफ रोटी में ही डालनी है, ताकि इसका हाफ एंड हमने इस पे फोल्ड करके रखना है। तो इसलिए अब हम सिर्फ हाफ रोटी में ही स्टफिंग डालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सबने मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे बताना है कमेंट करके, और ख़ुद भी ट्राई करनी है। बहुत ईजी है ये, बहुत ही इजी है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो हमने इसमें स्टफिंग डाल ली है, अब हम इसको फोल्ड कर देंगे बहुत अच्छे से। इसके सारी साइड्स में हमने फिल कर लिया है, अब हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। ऐसे ही मैंने सभी रोटियों को फोल्ड करके रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो मैंने इनको फोल्ड करके रख लिया है। मैंने यहाँ पे तीन रोटियों को फोल्ड करके रखा है। अब हम एक पैन ले लेते हैं, जिसमें हम ऑयल लगा देंगे। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपने, सीधा इस पे ऑयल लगाना है, और अपनी जो हमने जो स्टफिंग तैयार की है रोटी के साथ, उसको इस पे रख देना है। तो ये जो ऑयल हम लगाएंगे इसी से पकेगी ये। तो अब हम इसमें रोटी रखते हैं। जी, हमने रोटी रख दी, ये पकना स्टार्ट हो गई है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आपको सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा मैक्सिमम एक तरफ से सेकने के लिए। फिर आपने इसको साइड चेंज कर देनी है इसकी, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। फिर हम इसको जैसे ही साइड में से ये निकले, तो इसको नाइफ के साथ आप वापस थोड़ा सा दबा दे, ताकि ये बाहर ना निकले। हमने इसको चारों साइड से सेक लेना है। जैसे ही हम इसको सेक लेंगे, इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। बस इतने ही लेवल तक हमने इसको सेकना है, ज़्यादा सेकेंगे तो ये जल जाएगी। जैसे हम एक पराठे को सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको सेकना है। अब ऑयल लगा देंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे, ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से जो है सिक जाए। हम इसको ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही करके सारी रोटियों को सेक लेंगे। ये देखो बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, और इसके सिर्फ किनारे ही सेकने रहते हैं। इसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे इसकी साइड। ऐसे कर करके आप इसको पलट के देखते रहें, ताकि ये जले ना और ऑयल
जितना आपको अच्छा लगे उतना ही ऑयल लगाएं, ज़्यादा ऑयल ना लगाएं, ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, नहीं तो जैसे पराठे ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। आप इसको सैंडविच की जगह खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, सैंडविच के जैसे ही होगा ये। जो लोग ब्रेड नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने 4 रोटियों के लिए स्टफिंग तैयार की थी और इसमें डाल ली है। अब देखिए, इसको आप चटनी के साथ खा सकते हैं। घर में हमने इमली की चटनी के साथ इसको खाया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा है ये। बच्चों को बहुत पसंद आता है सबसे स्पेशली, तो लॉकडाउन में बच्चे बोलेंगे कि हमें ये खिलाओ ये खिलाओ, तो उनको ये खिला देंगे आप। बहुत अच्छे, देखे मैंने काट के दिखाया है, बहुत अच्छा है ये।